एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मेजर अरकाना से हम देखेंगे आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, और एंजल की तरफ से कुछ गाइडेंस लिया है मैंने, और अब मैं निकालूँगी अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। जो भी ये रीडिंग जब भी देखेगा उसके आने वाले हफ्ते से रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है, सो शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में। आई नीड 8 कार्ड्स एंजल्स, 8 कार्ड्स। क्या ऐसा होगा जो मेरे व्यूअर्स को पता भी नहीं चलेगा? शॉकिंग होगा। बहुत सारे एक बार में आ गए हैं। आई नीड वन बाई वन, वन बाई वन प्लीज। ओके, टावर, द हेरोफेंट। ओके, दो कार्ड्स और आ गए हमारे पास। फोर ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई नीड फोर मोर कार्ड्स। द हाई प्रिस्टेस, एक कार्ड ये आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, टेम्परेंस, लास्ट कार्ड। वन मोर कार्ड, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आने वाले वीक में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा? शॉकिंग होगा आपके लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड निकल कर आया है टावर का। ये कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज़, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो आपको हिला के रख दे, जो किसी तरह का ब्रेक थ्रू हो। या तो पॉजिटिव वे में हो सकता है या तो नेगेटिव वे में हो सकता है, लेकिन होगा बहुत शॉकिंग। मतलब बड़ा कुछ ब्रेक थ्रू से आप गुजर सकते हैं। हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए इस टाइम, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का भी कार्ड निकल कर आया है। सो हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं किसी की, मे बी आपकी फैमिली में या आपके आसपास आपके रिलेटिव्स में। सो ये भी हो सकता है कि किसी तरह का टावर मोमेंट या तो आप अपनी मर्जी से लेकर आएँ अपने लाइफ में। अगर आप, हो सकता है किसी तरह का कार्मिक सिचुएशन हो, आप ख़त्म करना चाहते हो, या आप जिनको सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी अपने पार्टनर को सोच कर रीडिंग देख रहे हैं, तो वो किसी तरह के ब्रेक थ्रू से गुजर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं मुझे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। तो आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा आपको कुछ ध्यान देना होगा अपनी तबीयत का। बहुत ध्यान दीजिए इस समय, थोड़ा नहीं बहुत ध्यान दीजिए। सो ये कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। किसी तरह का घाटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं हेल्थ का ही प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड लॉस भी होता हुआ दिख रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो कोई घाटा हो सकता है, किसी तरह का नुकसान हो सकता है, किसी से आपको धोखा मिल सकता है, या फिर किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है किसी के लाइफ में। यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है आपकी तरफ। तो इस तरह के कुछ भी टावर मोमेंट आपकी तरफ मुझे दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते में। तो बहुत सतर्क रहिए। अगर आप लव रिलेशन को सोच कर रीडिंग देख रहे हैं तो आप सामने से मैसेजेस ना करें, चेज ना करें बिल्कुल भी। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको ये सतर्क रहना है कि किसी तरह का आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है। तो अभी इस टाइम आने वाले हफ्ते में हो सके तो इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचिए। दूसरा, यहाँ पे अगर आप करियर को लेकर देख रहे हैं तो हो सकता है कि करियर में आपको किसी तरह का ब्रेक थ्रू से गुजरना पड़े। मे बी आपकी सैलरी कट जाए या आपकी जॉब पे कुछ बात आ जाए,
तो आने वाला हफ्ता इस वे में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, तो आपको सतर्क करना मेरा काम है। दूसरा कार्ड हमारे पास बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आपकी तरफ शादी का रिश्ता आ सकता है, मे बी आपकी तरफ, या फिर आप लीगल कुछ काम कर सकते हैं, या फिर आप जज या लॉयर का कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं, पास हो सकते हैं, या टीचर का, लेक्चरर का कोई एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा समझा रहे हों कोई चीज़ जो कि आपको ज़्यादा नॉलेज खुद भी ना हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमेशा लोगों का हेल्प करिए, गाइड करिए, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है ज़रूर उन्हें गाइड करिए। दूसरा यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में शादी का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे इसके साथ फोर ऑफ वैंड्स भी आया है, तो हो सकता है आपकी तरफ शादी का कोई रिश्ता आ जाए अनएक्सपेक्टेडली, जो कि आपने सोचा ना हो। ये भी हो सकते हैं कि आप आने वाले टाइम में अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों और उनकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल जाए, क्योंकि 11-11 कार्ड है यहाँ पे, वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या आप जिनसे लव करते हैं, जिनसे आपको लव है, वो आपकी तरफ किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं शादी का। ये यहाँ पे दिख रहा है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। फिर हमारे पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक थ्रू आपके मैरिड लाइफ में दिख रहा है मुझे। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ से किसी को निकालना चाहते हो, कट ऑफ करना चाहते हो, और आपकी कोई फ़ाइट हो जाए और उसके बाद आप डिसीजन ले लें अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाने का, खुद से, अपनी मर्ज़ी से। मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हों जहाँ पर आप हैप्पी ना हो, आपकी कोई कद्र ना हो या रिस्पेक्ट ना हो, आपकी वैल्यू ना हो, लव ना हो रिलेशनशिप में, या आपके पर्सन उस लव को डिज़र्व ना करते हों और आप अपने लाइफ से किसी को कट ऑफ कर दें, तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है आपके आने वाले हफ्ते में आपकी सास से आपकी लड़ाई हो जाए, या ननद से आपकी लड़ाई हो जाए, या फिर मदर की हेल्थ को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या सिस्टर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, आने वाले टाइम में किसी तरह का कर्मा बैगेज आप क्लिंस कर सकते हैं, कार्मिक सिचुएशंस को क्लिंस कर सकते हैं, किसी कर्मा से रिलीज हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लक आपका साथ देगा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। बहुत टाइम से आप कुछ झेल रहे हैं, बहुत टाइम से आप किसी कर्मा बैगेज को झेल रहे हैं, हो सकता है कि ये टावर कार्ड उसके लिए भी आया हो, किसी सिचुएशन से आप खुद बाहर निकल जाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, कोई आपको भड़का सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, इवन आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज है, आपका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज है, आपको गाइडेंस मिल जाएगी अगर कुछ अनहोनी होनी है या कुछ अच्छा होना है, तो आपका इंट्यूशन आपको पहले गाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पे कोई आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है, आपको थोड़ा सा भड़का सकता है किसी सिचुएशन में, तो अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का आने वाले हफ्ते में ज़्यादा इस्तेमाल करें, न कि दूसरों की तरफ से आने वाले बातों को आप विश्वास करें, हमेशा अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करें। दूसरा यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका और आपके फैमिली में किसी बात को लेकर आपकी बहस हो सकती है, मे बी कास्ट इशू हो, रिलीजन अलग हो, कल्चर अलग हो जिससे आप लव करते हैं या शादी करना चाहते हैं, तो इस तरह की फाइट्स, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं आने वाले वीक में। फिर हमारे पास है जजमेंट, किसी तरह का निर्णय आप ले सकते हैं, कुछ नया शुरू करने का निर्णय ले सकते हैं, कहीं आप किसी शादी से निकलने का डिसीजन ले सकते हैं, किसी शादी में जाने का डिसीजन ले सकते हैं, मतलब किसी न किसी तरह का डिसीजन आपकी तरफ होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर आप किसी तरह के लीगल इशू से गुजर रहे हैं, किसी तरह का कर्मा आपका था, किसी कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा है आपका, किसी भी तरह का केस चल रहा है, उसमें रिजल्ट आने की मुझे दिख रही है यहाँ पे सिचुएशन, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। लीगल इश्यूज़ अगर आपका है तो यहाँ पे एंडिंग हो सकती है, किसी तरह का डिसीजन निकल के आ सकता है उसमें। लास्ट कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, प्रमोशन को लेकर अगर आप बहुत टाइम से चिंतित हैं, या इंक्रीमेंट को लेकर बहुत टाइम से चिंतित हैं, या आपको लग रहा है कि सब कुछ है आपके पास लेकिन कोई एक चीज़ मिसिंग है,
चाहे लव लाइफ में कुछ मिसिंग है, चाहे करियर में कुछ मिसिंग है, चाहे फैमिली में कोई मिसिंग है, आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जो पार्ट आपका मिसिंग है, वो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। सो जिस चीज़ का बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या मेजर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लाइफ में। दो बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, सो लक आपका साथ देगा। अगर कोई बुरी सिचुएशन भी आती है आपके लाइफ में, अच्छी आए या बुरी आए, लक आपका साथ देगा, ये अच्छी बात है। टावर यहाँ से भी आया, टावर यहाँ से भी आया, इसका मतलब है कि किसी तरह का ब्रेक थ्रू ज़रूर आने वाला है। थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। द लवर्स, आप में से कई लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, रीयूनियन हो सकता है। मैंने कहा ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप में से काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है, दिख रहा है मुझे। कॉल मैसेज आ सकता है आने वाले हफ्ते में, मिल सकते हैं आप लोग, या आपको कमिटमेंट मिल सकती है शादी की, या आपके लवर की तरफ से किसी तरह का जेस्चर होता हुआ दिख रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। द एम्प्रेस, मदर को लेकर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी तरह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर यहाँ पे किसी तरह की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, मतलब आपको किसी तरह का गेन होता हुआ दिख रहा है। कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है, मे बी आप किसी तरह का केस लड़ रहे हों और आप जीत जाएँ। ओवर एंड ऑल आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए दिख रही है, सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस आते हुए दिख रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आने वाले हफ्ते में दिख रही हैं। द हाई प्रिस्टेस यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, इट क्लैरिफाइज़ कि मेजर अरकाना में जो कार्ड्स आए हैं वही यहाँ निकल कर आए हैं। तो ऑब्वियसली आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई आपको भड़का सकता है, कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, ना कि दूसरे की। द सन का कार्ड आया है, आपके लाइफ में अगर किसी तरह की डार्कनेस है, हेल्थ इश्यूज हैं, या पेरेंट्स का इशू है, या आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आने वाले हफ्ते में आपकी तरफ आ सकती हैं। एक्शन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सन इज़ द बेस्ट कार्ड। एंड द लास्ट कार्ड इज़ जजमेंट, यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया, इट क्लैरिफाइज़ की डेफिनेटली किसी तरह का निर्णय आपकी तरफ आने वाला है। जिस निर्णय को लेने में आप बहुत टाइम ले रहे थे, हो सकता है झट से आप कोई निर्णय ले लें, कोई डिसीजन ले लें, या आपकी तरफ कोई डिसीजन हो जाए। ओके, तो अब हम देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला कार्ड है रोमांस, बहुत ही रोमांटिक वीक जाने वाला है आपका। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन थी वो इम्प्रूव होने वाली है। बिलीव करिए खुद पर, अपने आप पर। इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा यहाँ से निकल कर आया था कि हो सकता है किसी की हेल्थ इश्यूज हो, तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। धीरे धीरे इम्प्रूव होते हुए दिख रही है मुझे आने वाले टाइम में। अगर हेल्थ इश्यूज थी तो इम्प्रूवमेंट दिख रही है। दो कार्ड्स और हैं। रिकवरी, जो भी सिचुएशन ख़राब थी, चाहे बिजनेस में, चाहे करियर में, चाहे जॉब में, चाहे आपके एजुकेशन फील्ड में, चाहे आपके लव रिलेशन में, रिकवर होते हुए दिख रही है। और रिमेन पॉजिटिव, लास्ट कार्ड है आपके लिए, रिमेन पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जो होगा अच्छा होगा, सिवाय एक कार्ड के, टावर के, बाकी यहाँ पे सब पॉजिटिव एनर्जी है। टावर का कार्ड यहाँ पे आया है तो किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जी से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ कट जाती हैं। सो ये थी आज की रीडिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अगर आने वाले हफ्ते में आपको इनमें से जो भी रेजोनेट होता है, आप मुझे ज़रूर याद करें। मेरी वीडियोस अगर आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।